जब सब ठीक हो जाएगा तब हम सब ठीक कर लेंगे। थोड़ा सा ये हो जाने दो, थोड़ा सा माहौल को सुधर जाने दो। कई लोगों से हम ऐसे तरह की बातें बहुत बार सुनते हैं जो लोग की बहाना देते रहते हैं और काम को टालते रहते हैं। कभी-कभी हम भी ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, माहौल अपने आप सुधरता नहीं है, उसको सुधारना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोगों को भी उस बुक का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन संबंधित कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल उसके साथ जुड़ सकते हैं, या फिर मेरा और एक चैनल है अनिमा 02 करके, आप उस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन संबंधित बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम माहौल की बात कर रहे थे। जैसे खाना हमारे शरीर को चाहिए होता है, ठीक है, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं हमारा शरीर अच्छा रहता है। और वो खाना को हमें क्या करना पड़ता है, देखिए खाना अपने आप आके हमारे मुंह में नहीं ठूस जाता है ना, हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा खाना हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। जब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कौन सा खाना नहीं खाना है, आपको पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी हम खाते हैं और बीमार होते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उस खाने की वजह से हम बीमार हुए। एग्जैक्टली वैसे ही होता है हमारे दिमाग के साथ, ठीक है। जैसे ही एक अच्छी डाइट चाहिए हमारे बॉडी को सही रखने के लिए, वैसे ही एक अच्छी मेंटल डाइट भी चाहिए हमारे माइंड को सही रखने के लिए। और हमें पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। लगभग 90% लोगों को ये पता होता है, लेकिन फिर भी हम अपने अपने आप को अकेले हो जाने के डर से हम अपने आप को कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल से घेर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्षतिकारक होते हैं। तो दोस्तों, अकेले होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो आपको चलना अकेले ही है। आगे चल के जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, आपके पीछे बहुत लोग आएंगे। तो उस अकेलेपन, उस जो टेम्पररी वाला जो अकेलेपन है उसको मत डरिए। और उसको डर के अपने आप को रॉन्ग पीपल, रॉन्ग सराउंडिंग से सराउंडेड मत कीजिए। अपने माहौल को खुद सुधारें, ठीक है। देखिए यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हमारे आसपास में 3 टाइप के लोग होते हैं। माहौल यानी कि हम लगभग लोगों की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उठना बैठना रहना सहना जो भी होता है वो लोगों के बीच होता है, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे आसपास 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी हार मान चुके हैं, उनको आप जो भी बोलेंगे उनके ज़िंदगी में निराशा ही निराशा होती है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह की ही बातें करते हैं, उनसे कृपया दूर रहिए। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कि आधा अधूरे होते हैं, यानी कि वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन 10-15 साल करते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो उनका एक मिक्स उनकी थॉट प्रोसेस रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह का सोच वो लोग रखते हैं। जिस तरह बारिश होती है उसी तरह वो छतरी लेके चलते हैं, यानी कि आप जैसा बोलोगे वो आप ही के हिसाब से बातें करेंगे, या फिर आपको डिक्रीज ही करने की कोशिश करेंगे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो लोग उस काम में सक्सेसफुल नहीं हुए होते हैं, तो जब आप उसी काम को कर रहे होते हैं तो वो जानबूझकर भी आपको डिप्रेस करवाते हैं कि मैंने तो ये काम किया था यार, मैंने छोड़ दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो देखिए, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, इनसे भी आपको दूर रहना पड़ेगा। तीसरे किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, जिनको पता होता है अपने ड्रीम के बारे में, जिनको पता होता है वो पूरी तरह से संपूर्ण होते हैं। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा, लोग कैसे पता चलेंगे, मान लीजिए आप जाकर बोलते हैं कि मुझे एक 5 करोड़ का घर खरीदना है, ठीक है, तो आप जाके अभी आपके आपके फ्रेंड्स को बोलेंगे या फिर आपके कोई रिलेटिव्स को बोलेंगे तो वो ज़रूर हंसना शुरू करेंगे, है ना, कि ये पागल हो गया है, ठीक है भाई, सपना देखना है, देख ले देख ले, इस टाइप के बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप एक
जो 5 करोड़ का घर में ऑलरेडी रह रहा है या फिर जो सक्सेसफुल पर्सन है, आप अगर उसके पास जाके बोलेंगे कि मुझे 5 करोड़ का घर बनाना है, तो वो कभी भी हंसेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि सपनों का क्या महत्व होता है। अगर कोई पर्सन सपने देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा हो सकता है, ये उसको पता है। ठीक है, तो देखिए, जो लोग आपके सपनों पर, आपके बड़े बड़े बातों पर जो लोग हंसते हैं या फिर आपको टंट करते हैं, कमेंट मारते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ उस जगह पर नहीं है, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से आप अपनी समझ को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड कीजिए, अपने माहौल को कुछ ऐसा बनाइए जहाँ पर वैसे ही लोग हों जिनको सपनों का महत्व पता हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए राइटर ये भी बता रहे हैं कि 3 तरीके यहाँ पर दिया गया है जिससे आप फर्स्ट क्लास बन सकते हैं। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो नई चीज़ों को समझिए। जो नए एसोसिएशंस होते हैं, नए जो ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप में शामिल हुए, अपने माइंड को ओपन करें, उन लोगों के साथ उठे बैठें और उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। सारी चीज़ें ऑब्जर्व ना करें, ऑब्जर्व करें, ओपन माइंडेड होके कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो कि आपकी तरह नहीं सोचते, यानी कि हमारे जो आपकी तरह, यानी कि आपकी जो लिमिटिंग कुछ बिलीव्स हैं, ये नहीं हो सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना ले जो कि अच्छी बातें करते हैं, आपसे थोड़ा ऊंचा बातें करते हैं। तो जब आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ जब आप समय बिताएंगे, तो क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे 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 चेंज होती जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ें ये है कि देखिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना देने वाले लोगों को चूज़ करें और खुद भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये बताया भी था कि किस तरह से हमें अपनी सोच को चेंज करना है ना। जब हम कभी भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्या एक फर्स्ट क्लास व्यक्ति इस काम को महत्व देगा, क्या वो इस पार्टी करने जाएगा, क्या वो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते अपना टाइम वेस्ट करेगा, नहीं करेगा ना। अगर नहीं तो आप मत कीजिए, अगर हाँ, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए कि क्या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्या एक फर्स्ट क्लास व्यक्ति इस काम को करेगा, अगर हाँ तो कीजिए, अगर नहीं तो ना कीजिए, और यही सोच आपको फर्स्ट क्लास बना देगी। इतना सिंपल है दोस्तों, थोड़े से बस अपने सोच में बदलाव लाना है। और अपने सोच में बदलाव लाने के लिए, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इस संबंधित एनर्जी संबंधित ज्ञान भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस संबंधित टॉपिक्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ मेरा और एक चैनल है Anima02 नाम का, उस चैनल को फॉलो कीजिए। और इस चैनल में भी हम लाइव बहुत सारे सेशन लेंगे जिससे हमारा माइंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, हमें इनर गाइडेंस मिले और हम अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा तरक्की कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।